कोयलांचल में व्यवसायियों से फोन कर रंगदारी मांगने के मामले में अमन सिंह गैंग के 5 सदस्यों को धनबाद पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। धनबाद SSP संजीव कुमार ने 24 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पिछले कई दिनों से व्यवसायियों को फोन पर धमकी दी जा रही थी। इलाके में कई व्यवसायियों पर रंगदारी मांगे जाने के मामले में 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। व्यवसायियों को फोन कर रंगदारी मांगने का मामला SSP संजीव कुमार और ग्रामीण SP रेशमा रमेशन को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया। ASP मनोज स्वर्गियारी और बागमारा DSP निशा मुर्मू के निर्देश पर कतरास थाना प्रभारी रणधीर कुमार और बैंकमोड़ थाना प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में दल बल के साथ छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल, 4 बाइक बरामद किए हैं। आरोपियों में आशीष गुप्ता, अजय कुमार सिंह, नरवाल शर्मा, राहुल गुप्ता और मुकेश राय शामिल हैं। लगातार इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि कुछ जो व्यापारी गण हैं उनको धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे और कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी, धमकी भरे व्हाट्सएप मैसेजेस गए थे। इस संदर्भ में हम लोगों ने कुछ कांड भी दर्ज किए थे और कई जो लोगों का इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को संकलित करते हुए हम लोगों की पूरी टीम अपराध कर्मियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी। इसमें जो हमारे ASP लॉ एंड ऑर्डर हैं मनोज सरगियार और हमारे SDPO बागमारा है निशा मुर्मू, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था जिसमें बैंक बोर्ड इंस्पेक्टर और हमारे कतरास इंस्पेक्टर दोनों शामिल थे और सारा सुपरविज़न हमारी ASP ग्रामीण कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में ये पता चला कि कुछ अपराधकर्मी हैं जो, क्योंकि अब कई लोग उनके जो गैंग के जो मेंबर्स थे, खासकर जो अमन गैंग के मेंबर्स थे, वो करीब 19 लोगों को हम लोगों ने पिछले महीना जेल भेजा था। उसके बाद ये लोग का जो अपना सेटअप था वो पूरा बिगड़ चुका था। ये लोग दोबारा क्षेत्र में हावी होना चाह रहे थे और किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाह रहे थे। तो ऐसे में कुछ ऐसे अपराधकर्मी जो वर्तमान में हैं इस इलाके के, लेकिन इस इलाके में रहते नहीं थे, उनको इन लोगों ने कॉन्टैक्ट किया और उनके कॉन्टैक्ट से फिर उन लोगों को बुलाया गया ताकि यहाँ किसी अपराध को अंजाम दिया जा सके। कुछ बड़े अपराध करने का इनकी मंशा थी। इसी में पुलिस की टीम, क्योंकि ऑलरेडी पहले से हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और लगी हुई थी, जो हमारी पूरी टीम है, चाहे हमारी टेक्निकल टीम है, हमारी फील्ड टीम है, सबने मिल करके इसमें जो बाहर से अपराधकर्मी आए थे और जो लोकल अपराधकर्मी जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, कुल 5 अपराधकर्मियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया जो लोग घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ आए हुए थे। और इसमें जो जेल में कुछ बंद अपराधकर्मी हैं उनके साथ मिल करके इनका सारा जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचा गया था। तो उन कुल 5 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है इसमें, जिसमें आशीष गुप्ता, अजय कुमार सिंह, राहुल गुप्ता उर्फ पप्पू, नवल शर्मा और मुकेश राय, ये 5 लोग शामिल हैं। आशीष गुप्ता जो था, वो आशीष गुप्ता और अजय कुमार सिंह, ये लोग लगातार जेल से कॉन्टैक्ट में थे और उनके साथ मिलकर के सारा जो कॉन्स्पिरेसी है वो रचा जा रहा था। राहुल गुप्ता बिहार में कुछ दिनों पहले जेल में था और अभी बिहार के जेल से 2 महीने पहले ही छूटा था, वो बांका जेल में था। नवल शर्मा कुछ दिनों पहले तोपचाची में एक ट्रक की चोरी हुई थी जिसमें ये शामिल था। और एक मुकेश राय है जो आर्म्स एक्ट के कई केसेस में, ये पूर्व में भी वांछित रहा, पूर्व में भी ये जेल गया हुआ है। तो ये सारे इन 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें एक हथियार और कई मोबाइल फ़ोन्स जिससे ये लोग धमकी वमकी देते थे वो सब कुछ बरामद किया गया है। इसमें जो जेल में जो अपराधकर्मी थे उनके ऊपर भी कांड दर्ज हुए हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत, कुल 15 लोगों पर कांड दर्ज किया गया है। और जो भी अपराधकर्मी इस घटना में शामिल है, या हम लोग लगातार ऐसे लोगों की खोज कर रहे हैं जो लोग इस गैंग को हल्का सा भी सपोर्ट करते हैं या उनको इस क्षेत्र में किसी क्राइम के लिए मदद करते हैं, तो लगातार हमारी नज़र वैसे लोगों पर है और उन सभी लोगों पर भी हम लोग फर्दर कार्रवाई करेंगे।